नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का एक नया क्वेश्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, या हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली और जर्मनी को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया का क्या योगदान था। तो आइए हेडिंग दीजिएगा, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। आइए समझते हैं। देखिए, इटली और जर्मनी जो है उन दोनों को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया का कोई जो है योगदान नहीं था। पहला हम लिखे हुए, इटली और जर्मनी को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया की कोई जो है भूमिका नहीं थी। दूसरा लिखे हुए, ऑस्ट्रिया जो था वह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, यानी इटली और जर्मनी जो है आपस में मिल जाए। तीसरा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए यानी एक में मिलाने के लिए जो भी प्रयास होता था ऑस्ट्रिया जो है उसको असफल कर देता था। तो इस तरह से इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं थी। क्वेश्चन हमेशा यह पूछता है, जरूर इसको याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो आप बताइएगा, इटली और जर्मनी को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया का कोई योगदान नहीं था। ऑस्ट्रिया जो है वह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी जो है आपस में मिल करके रहे। तीसरा, इटली और जर्मनी को एक में मिलाने के लिए जो भी प्रयास होता था उस प्रयास को ऑस्ट्रिया जो है असफल कर देता था, उसको विफल कर देता था। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही खास है, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, दो नंबर में यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है। दोस्तों आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।